अमरीकी सदारती इलेक्शन गहमा गहमी पर तफसीली रिपोर्ट्स आपने देखी, वाशिंगटन और फ्लोरिडा से हमारे नुमाइंदगान ने भी आगाही दी। अमरीका में सदारती इलेक्शन और नए सदर पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोच रहे हैं, ये उन्हीं की जबानी जानते हैं। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा हूँ अगला सदर, बाकियों से बेहतर भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप। अरे है तो बड़ा नेट टू नेट, लेकिन लग रहा है ट्रंप का ज्यादा। जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रंप को जीतना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छी खासी लीड में जा रहा है, वो अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहा है और लोग उसके हिमायती भी हैं। हमारी उम्मीद जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक मरतबा फिर जीतेंगे। मेरे ख्याल से तो डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कैमला हैरिस बेहतर है। डेमोक्रेट्स ने जो पिछली हुकूमत की है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज हैं ना वो उठा दिए हैं दुनिया के अंदर। अगर सारे एनालिसिस देखी जाए तो लग तो यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ट्रंप की पोजीशन अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। ट्रंप के हवाले से यह है कि उसकी कम्बेन और वो जो है वो मजबूत लग रही है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। हमारे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप सही है क्योंकि ये फलस्तीन के हक में है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप होना चाहिए। दिली ख्वाहिश भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाए। हमारी ख्वाहिश यही है कि मुस्लिम के लिए कुछ वो अच्छा सोचेगा, फलस्तीन के हिसाब से कह रहे हैं। कमला हैरिस जो है वो ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी ठीक होगा। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले से काफ़ी समझदार हो चुका है। मेरे ख्याल में इसमें ट्रंप की चांसेस ज़्यादा है कमला हैरिस के मुकाबले में।